हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में बुक जिनके पास होगा वो देख लेंगे कि टॉपिक 6 पहले पढ़ाएंगे ब्रीथ, क्योंकि ब्रीथ से त्रिभुज में भी होगा, ब्रीथ से वर्ग में भी होगा, ब्रीथ से आयत में भी होगा, तो हम लोग ब्रीथ पढ़ लेंगे तो उस सब में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो बुक में टॉपिक 6 है लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको टॉपिक 1 करके पढ़ेंगे। देखिए, ब्रीथ में, ब्रीथ, ब्रीथ सर्कल, इसको कहते हैं केंद्र, जो पूरा यहाँ से इस सब का डिस्टेंस इक्वल होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या, रेडियस, जिसको सूचित करते हैं आर से। ई आर है, अगर इधर भी खींचेंगे तो ये आर ही होगा, इसको भी त्रिज्या ही बोलेंगे। ई सब भाग जो हुआ, ई सब भाग, ई कहलाता है क्षेत्रफल। ई सब भाग क्या कहलाता है? जो घिरा हुआ है। और ई भाग जो है, ई भाग जो बाहरी घेरावा है, उसको कहते हैं परिधि। परिधि, ठीक है, इसको कहते हैं परिधि, और इस सब भाग को क्षेत्रफल। तो परिधि बराबर होता है 2πr। परिधि बराबर क्या होता है? 2πr, याद करते चलना है। परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। और ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई जो है, पाई का मान अगर नहीं दिए हुए हैं तो 22/7 अपनी सुविधा के अनुसार, या 3.14 लेना है। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार कि वह ई रखेंगे तो मान जल्दी बनेगा, कि ये रखेंगे तो बन जाएगा, उसके अनुसार हमको पाई का मान लेना है। अच्छा, देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r होगी, और ये पूरा को कहते हैं, ये जो AB एक रेखा हुआ, वो AB को कहेंगे व्यास, डायमीटर, जिसको सूचित करते हैं d से। तो ER, तो दोनों मिला के 2R, दोनों मिला के 2R। तो व्यास बराबर क्या होता है? 2 × त्रिज्या। परिधि बराबर 2πr, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अगर परिधि के किसी दो बिंदु को, परिधि के किसी दो बिंदु को मिला दे, उसको कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। तो इसमें, इस वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन होगी? व्यास होगी। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। नोट करते चलिएगा, किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ठीक है, इसको याद कीजिए फिर से। त्रिज्या होता है पूरे सर्कल के सेंटर में जो होता है, उसको केंद्र कहते हैं, सेंटर, केंद्र कहते हैं, और ई जो घेरावा है उसको परिधि कहते हैं, और ये घेरावा के अंदर जो क्षेत्र घिरा हुआ है उसको क्षेत्रफल कहते हैं, और क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। परिधि बराबर होता है 2πr, और व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या। ठीक है, इतना बात याद कर लेना है। अब इसमें प्रश्न देखिए, मिटा दें। परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा। ठीक है, और किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अब देखिए, प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है, क्षेत्रफल क्या होगा? तो आर का मान दे दिया 21। पूछ रहा है क्षेत्रफल, एरिया,
क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 21, तो 21 × 21 स्क्वायर है, तो 21 × 21 करेंगे ना, तो 7 × 21 कट गया। तो इस तरह से क्षेत्रफल आ जाएगा 22 × 66 में गुना करना है 21 से, ठीक है। 21 × 6 = 126, 21 × 6 = 126 के 6 हासिल 12, 21 × 6 = 126 और 12 138 इतना। और त्रिज्या जो है सेंटीमीटर में, तो देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर परिधि पूछता इसी में, परिधि तो परिधि पूछता तब कौन सा फार्मूला लगाते, तो परिधि बराबर 2πr, तो 2 × 22/7 गुने r का मान 21, 7 से ही कट गया 3 × 21, तो 22 × 66 × 2 = 132। और देखिए ये तो केवल सेंटीमीटर में है, तो 132 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझिएगा कि अगर कोई वृत्त है तो ये तो एक लंबाई है ना, अगर इसको यहाँ से काट के सीधा लंबा कर देते तो एक लंबाई है ना, इस चीज़ को इसी को वो इस जो लाइन था, मान लीजिए ये तार है, तार को घेर के ऐसे सर्कल बना दिया, ठीक है, तो ये लंबाई है, लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं या मीटर में मापते हैं, वही अगर सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर आ गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होगा और लंबाई जो भी होगी वो मापना होगा सेंटीमीटर या मीटर, यही ना। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगर कह दे कि एक वृत्त का रुके प्रश्न लेते हैं, प्रश्न इसमें नहीं है उस टाइप का, हम लिख देते हैं। यदि किसी वृत्त की वृत्त का क्षेत्रफल एक सौ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिधि क्या होगा, ठीक है। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिधि क्या होगा, तो कोई वृत्त है उसका क्षेत्रफल दे दिया, एरिया दे दिया, और उसका परिधि पूछ रहा है, तो परिधि बराबर होता है, इसी को ना परिधि कहते हैं, तो परिधि बराबर होता है 2πr। तो जब तक r का मान नहीं निकलेगा तब तक हम परिधि निकाल सकते हैं, नहीं ना। यहाँ तो दे लिया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब बराबर 154 दे ले है, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वो दे ले 154, तो 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154, तो 22 × 7 = 154, 22 × 7 = 154। अब देखिए तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 आया, ये बटा में 7 है तो उधर गुना में चल जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 7। तो जब त्रिज्या 7 आ गया तो परिधि ना निकलेगा, तो 2 × 22/7 × r = 7, 7 × 7 कट गया, 22 × 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिए हुए क्या है, अब पूछ क्या रहा है, तो जो पूछ रहा है, देखिए हम कहाँ से समझे कि हमको r का मान निकालना है, दिए हुए क्षेत्रफल अब परिधि बराबर होता है 2πr, तो जब तक r का मान नहीं निकलेगा तब तक हम लोग परिधि नहीं निकाल सकते हैं, तो जो कंडीशन दिए हुए था उससे हम लोग r का मान निकाले, और फिर इसमें पुट कर दिए। कभी कभी क्या करेगा कि क्षेत्रफल, यहाँ देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एकदम नीचे से ले चलेंगे, छोटी छोटी बात बताते चलेंगे आप लोग को, केवल हौसला मत खोइएगा, देखते रहिएगा, ठीक है, सब कुछ बताएंगे। देखिए अगर कह दे
एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है या मीटर है, 88 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल एवं व्यास बतावे, ठीक है। तो दिया क्या है, परिधि, परिधि दिए हुए है। कोई वृत्त है जिसके इस परिधि का मान दिए हुए है 2πr का मान 88, तो 2 × 22/7 गुने आर बराबर 88, तो 22 × 44 × 88, तो आर बराबर आ गया 7 × 14, 22 × 44 से 88 दो बार में कट जाएगा, बराबर में ऊपर से ऊपर तो काट सकते हैं, तो आर बराबरी बटा में 7 तो उधर जाके गुना में, तो आर बराबर 7 × 14 आ गया। तब पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुने आर का मान 14 × 14, 7 से ही कट गया दो बार में, तो 14 × 28, 28 × 56 के 6 हासिल 5, 28 × 56 = 5 = 61, 616 देखिए मीटर में, तो मीटर में है तो मीटर में आया, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल आ गया। और क्या पूछ रहा है, व्यास, व्यास पूछ रहा है, तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास को सूचित करते हैं डी से, डी बराबर 2r बताए हैं, त्रिज्या के दुगुना व्यास होता है ना, तो डी बराबर 2r, तो 2 × r का मान है 14, तो 14 × 28। अब देखिए व्यास जो है, व्यास जो भी तो एक लंबाई है, लंबाई को तो सीधे मीटर में मापते हैं या सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो इसलिए मीटर में हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं, को उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी बात, बहुत छोटी छोटी बात है, मिटाई से। अब देखिए पहले जान लेते हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त जान लीजिएगा तो आसान हो जाएगा सब कुछ समझना, अर्धवृत्त, उसके बाद त्रिज्यखंड। देखिए अर्धवृत्त नाम से ही स्पष्ट हुए कि वृत्त का आधा, अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा, ठीक है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता था पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसी का आधा है, समझाते हैं अर्धवृत्त को भी। देखिए ये पूरा वृत्त है, अर्धवृत्त मतलब आधा, मतलब ई वाला भाग नहीं है, ई वाला भाग नहीं है तो क्षेत्रफल तो केवल यही बच गया ना, क्षेत्रफल के ही केवल यही बच गया ना, तो पूरा वृत्त अगर होता तो क्षेत्रफल हो जाता पाई आर स्क्वायर, जबकि इधर का ई भाग तो हट गया, तो उसका आधा हो जाएगा अर्धवृत्त क्षेत्रफल। अब है परिमिति या परिधि, बात वही है, तो बाहरी घेराव को परिमिति या परिधि कहते हैं, तो बाहरी घेराव तो इसमें ई बच गया, आ इधर से ई आ गया, यही आया ना बाहरी घेराव इसका, तो इसका परिमिति हो जाएगा। देखिए अगर ये पूरा होता तो 2πr होता, लेकिन ई वाला भाग तो नहीं है इसमें, तो ये आधा हो गया। अब इसमें ऐड क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो इसको क्या कहते हैं, ER, तो इसको 2r कहते हैं, 2r होगा ना, तो 2 से 2 कट गया, तो पाई आर, अब प्लस 2r को डी भी कह सकते, मैंने 2r रुकिए, 2r या अर्धवृत्त के परिमिति बराबर कहेंगे पाई आर प्लस डी, ठीक है, समझ में आ रही है बात, कि इसमें इस परिमिति में कितना आया, ई वाला भाग, तो ये पूरा अगर होता तो 2πr, लेकिन आधा है तो आधा कर दिए, और इसमें ई लंबाई ऐड हो गया, तो ये होता है 2r, ठीक है, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत की नहीं को।
अब समझिए, त्रिज्खंड, त्रिज्खंड को समझते हैं। देखिए इसको कहते हैं त्रिज्खंड, इसको कहते हैं चाप, चाप को सूचित करते हैं एल से। अब दोनों को समझ लेते हैं। त्रिज्खंड का क्षेत्रफल अगर होता, त्रिज्खंड का क्षेत्रफल, तो ऐसे समझिए कि त्रिज्खंड का क्षेत्रफल है तो अगर ये पूरा वृत्त होता तो पाई आर स्क्वायर, आई 360/360 करते, थीटा बटा 360, तो एक केंद्र पर के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है। तो रियल में वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखेंगे, रियल में वृत्त का क्षेत्रफल, तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो थीटा के जगह पर 360 रखते हैं, इससे ही कट जाता है, तो केवल बच जाता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ही थीटा डिग्री कोण बन रहा होगा, इतना ही दूर का कोण थीटा होगा। तब देखिए ये पूरा अगर 360 होता तो 360/360 गुने पाई आर स्क्वायर करते, लेकिन अब तक थीटा डिग्री का मान निकालना है, तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कितने दूर का क्षेत्रफल निकालना है। अगर ये पूरा होता तो 360, तो 360/360 तो पाई आर स्क्वायर, तब ना पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आ जाता है, लेकिन हमको तो इसमें से इतना ही दूर का मान निकालना है, ये क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। याद कर जाइए कि त्रिज्खंड का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग बोलिए मेरे साथ, त्रिज्खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिज्खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब ई जो देखिए, ई वाला जो हिस्सा है वो पूरा परिधि का हिस्सा है, तो परिधि का अगर परिधि होता तो थीटा बटा 360, अगर ये पूरा 360 डिग्री बनता तो थीटा के मान 360 लेते, तो परिधि बराबर 2πr, लेकिन हमको तो इतना ही दूर का मान निकालना है, तो थीटा बटा 360 गुने 2πr, तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुने 2πr। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुने 2πr, और त्रिज्खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा, याद कर लीजिएगा, त्रिज्खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुने 2πr। अब देखिए ई भाग नहीं, ई केवल त्रिज्खंड है, तो त्रिज्खंड की परिमिति बराबर क्या हो जाएगी, त्रिज्खंड की परिमिति बराबर क्या होगी, तो चाप की लंबाई L आ प्लस ER आ ER, तो 2R, L प्लस 2R, यानी थीटा बटा 360 गुने 2R, या थीटा बटा सॉरी चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुने 2πr ना आ प्लस 2R, तो थीटा बटा 360 गुने 2πr आ प्लस डी भी कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत। तो ये तो निकालने के ऊपर है, हमको क्या दिया है क्या करना है। तो इस त्रिज्खंड की परिमिति बराबर क्या हो जाएगी, ई चाप की लंबाई प्लस ई त्रिज्या प्लस ई त्रिज्या, बाहरी घेराव, उसी को तो परिमिति कहते हैं। तो बाहरी घेराव इसमें ई आया, ई आया, ई आया, ठीक है, याद कर लीजिएगा, मिटा दूँ। अब समझिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 49 सेमी है, उसका क्षेत्रफल बताइए। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 49 सेमी है, उसका क्षेत्रफल बताइए। अर्धवृत्त ये वाला भाग नहीं, इसकी त्रिज्या है आर का मान 49 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल यही भाग है ना, तो क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे, पाई आर स्क्वायर बाई टू।
यही बताए थे ना, तो पाई के मान 22/7, अभी बटा में 2 है सो रहेगा, और गुने आर का मान, तो आर का मान 49, तो 49 × 49 सात से ही कट गया 7 बार में, और 2 से कट गई 11 बार में, गुना कर दीजिए 11 × 99 = 9, 11 × 99 = 9 हासिल 9, 11 × 44 = 53 गुणे 7, तो 7 × 63 = 3 हासिल 6, 7 × 21 = 6, 27 × 7 हासिल 2, 7 × 35 = 37, 3773 यही आया। और त्रिज्या का मान जो है सेंटीमीटर में है, 49 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अर्धवृत्त की परिमिति कहता, अगर कहता कि अर्धवृत्त की परिमिति बताइए, परिधि बताइए, तो क्या हो जाता, पाई आर प्लस 2r, तो पाई के मान 22/7, r के मान 49 प्लस 49 × 98, तो 7 से ही 7 बार में कट गया, तो 22 × 7 = 154 और प्लस 98, तो 8 × 4 = 12 हासिल 1, 9 × 5 = 14, 1 × 15 = 5 हासिल 1, 1 × 1 = 2, 8 × 4 = 12 हासिल 1, 9 × 5 = 14, 1 × 15 = 5 हासिल 1 × 1 = 2, इतना सेंटीमीटर हो जाता, ठीक है। अगर ऐसा कहता तो, परिमिति कहता तो, मिटा दे इसे। फार्मूला सब याद रखना है, फार्मूला रट रट के याद कर जाइएगा, और नहीं तो आप प्रैक्टिस कीजिए इस पर, क्वेश्चन सब का खुद ब खुद सब दिमाग में रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तथा एक त्रिज्खंड केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, उस त्रिज्खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या है 14 सेमी, आर का मान 14 हो गया, एक केंद्र पर बनाता है 45 डिग्री का कोण, यानी थीटा का मान 45 हो गया, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या लिखाए थे, त्रिज्खंड का क्षेत्रफल बराबर बोलिए, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का मान 45/360 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 14, तो 14 × 14 45 से ही कट जाएगा, कितना बार में, 8 बार में अभी कट गया, 7 × 14 2 से ही 2 बार में 2 से ही 7 बार में 2 से ही 11 बार में 11 × 77 cm² 14 सेंटीमीटर है, तो 77 cm² हो जाएगा, क्षेत्रफल तो हमेशा स्क्वायर में आता है ना। अगर इसमें पूछता कि चाप की लंबाई बताइए, ये चाप, चाप की लंबाई अगर पूछता तो, पूछ तो क्षेत्रफल रहा है, चाप की लंबाई पूछता तब क्या होता, तो चाप की लंबाई L बराबर हो जाता थीटा बटा 360 गुने 2πr, तो थीटा का मान लेते कितना, थीटा का मान 45 दिए हुए, तो 45/360 गुने 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 14, तो 45 से 8 बार में कट जाएगा, 7 से 2 बार में, 2 × 4 से 2 बार में, 2 से ही 11 बार में, तो चाप की लंबाई कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई है तो 11 सेंटीमीटर। अगर इस त्रिज्खंड की, ये पूरे त्रिज्खंड की जो त्रिज्खंड है, ये वाला भाग तो होगा नहीं, ये तो हम आपके समझने के लिए बना दे रहे हैं, तो ये जो त्रिज्खंड होगा, इस त्रिज्खंड की अगर परिमिति पूछेगा, तो त्रिज्खंड की परिमिति कितनी हो जाएगी, थीटा बटा 360 गुने 2πr, चाप की लंबाई और प्लस ही 2r, तो इसका मान 11 सेमी है, या चाप की लंबाई 11, आर का मान है 14, तो 14 × 28, तो ये आ जाएगा 8 × 1 = 9 और 2 × 1 = 3 = 39 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर चाप की लंबाई, सॉरी त्रिज्खंड की परिमिति पूछता तो।
तो चाप की लंबाई प्लस ई त्रिज्या प्लस ई त्रिज्या, यही होगा ना चाप की लंबाई बराबर, सॉरी त्रिज्खंड की परिमिति बराबर। मिटा दें, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है देखिए, अगर आपको इस तरह का प्रश्न आ जाए कि कोई वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, कोई वृत्ताकार पार्क है और उसके अंदर से चार ओर, अंदर से चारों ओर रास्ता बनाया गया है, तो ई तो आर का मान दिए हुए था आपको, रास्ता जब बना तो आर का मान तो अब कम जाएगा। अगर ई एक्स है, ई एक्स, तो अगर बाहरी त्रिज्या दिए हुए है तो अंदर की त्रिज्या हो जाएगा आर माइनस एक्स। अगर ये पूरा आर है आ ई एक्स है तो घट कितना गया, एक्स ही ना, तो छुटकी आर बराबर आर माइनस एक्स। अगर कहता बाहर से रास्ता बनाया गया है, ठीक है, तो ई आर का मान दिए हुए रहेगा। अब बाहर से रास्ता बना है तो मान लीजिए कि रास्ते की चौड़ाई है एक्स, तो इस रास्ते की चौड़ाई एक्स है तो अंदर बाहर से आर कितना हो जाएगा, आर का मान तो छुटकी आर प्लस एक्स। ई आर का मान अगर दिया हुआ है तो बाहरी आर का मान कितना होगा, तो एक सी बढ़ गया तो आर प्लस एक्स। अब देखिए इसी को कहते हैं बलय या रिंग या छल्ला या रास्ता। अगर इस, अच्छा ये रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी, रास्ते की चौड़ाई अगर पूछ दे तो रास्ते की चौड़ाई बराबर हो जाएगी, रास्ते की चौड़ाई बराबर तो आर माइनस आर, बड़की आर में से छोटकी आर घटा देंगे तब ना रास्ते की चौड़ाई आएगी। अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछ दे, ये जो रास्ता है ई वाला भाग चाहे इसमें ई वाला भाग, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ दे तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो किस वृत्त का क्षेत्रफल आएगा, बड़े वाले वृत्त का, इसमें भी और इसमें भी बड़ा वाला वृत्त, इस सब भाग सहित पाई और छोटकी आर स्क्वायर करेंगे तो ई वाला भाग का क्षेत्रफल आएगा। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ई सब भाग लेते हुए, इस सारा भाग लेते हुए, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब उस भाग को छोड़ के ई सब भाग, केवल ई भाग का घटा देंगे तो ये केवल ई रास्ता का क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस सब भाग का क्षेत्रफल आएगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो केवल ई भाग का क्षेत्रफल आएगा, घटा देंगे तो केवल रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा मान लीजिए कि जो रास्ता आप निकाले वो आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी है इस रास्ते का, कहेगा इस पर पत्थर बिछाना है आ एक मीटर का खर्च है, एक वर्ग मीटर का खर्च है 2 रुपया, इस रास्ते का क्षेत्रफल आप निकाले तो 10 मीटर स्क्वायर आया, 10 मीटर स्क्वायर आ एक मीटर स्क्वायर पर अगर आप पत्थर बिछाते हैं तो 2 रुपया लगता है, तो इस रास्ते पर टोटल पत्थर बिछाने का खर्च क्या होगा, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ना आ जाएगा 20 रुपया, क्या एक मीटर स्क्वायर पर पत्थर बिछाते हैं या घास लगाते हैं तो 2 रुपया लगता है, अब पूरा क्षेत्रफल इस रास्ते का 10 मीटर स्क्वायर तब टोटल खर्च कितना आएगा, तो 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा इसमें अगर घेरावा लगवाना हो कि रास्ते के दोनों तरफ घेरावा लगवाना है, तो रास्ते के दोनों तरफ मतलब इस भाग पर भी ई परिधि और ई परिधि, यही ना, दोनों पर घेरावा लगवाना है तब इसी पर लगेगा ना, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, मिटा दे इसे। बार बार वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा, आएगी सारी बात, टफ नहीं है। अब देखिए इसमें कह रहा है
कि एक 14 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पार्क के बाहर, 14 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, 14 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या कितना है 14। अब इसके बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया गया, बाहर से चारों ओर रास्ता बनाया जो कितना है, इसका मान है 3.5 मीटर। आई आर का मान कितना था 14। अब बताइए बड़े वाले आर का मान कितना होगा, ये 14 + 3.5 14 × 3 = 17.5, कोई दिक्कत। अब कह रहा है उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अब क्या करना होगा, आप समझ रहे होंगे क्या करना है, ये भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले ले तो बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन है आई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला ही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, यही होगा ना। अब इस पर बैठा दीजिए 22/7 आर प्लस आर, तो बड़की आर के मन 7.5 17, छोटकी आर के मान 14, तो 17 × 14 = 31.5, आर माइनस आर तो सारे इसमें से 17.5 में से 14 घटाएंगे तो 3.5 बचेगा, तो 3.5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्या परेशानी होगी, सॉल्व कर दें, बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, मिटाएं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक वृत्ताकार मैदान के बाहर चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क, यदि बाहरी और अंदरी वृत्त की परिधि में 66 सेमी का अंतर है तो सड़क की चौड़ाई कितनी है। एक वृत्ताकार पार्क है, बाहर से चारों ओर सड़क है, बराबर होगा सब, ऐसा नहीं एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम नहीं, बराबर होगा, ये नहीं खींचा पा रहा है मेरे से, तो सड़क की चौड़ाई पूछ रहा है, इसका मतलब ई मान पूछ रहा है, तब देखिए ई आर आई बड़ा वाला आर, तो सड़क की चौड़ाई बराबर क्या बोले थे, सड़क की चौड़ाई बराबर आपको बतलाए थे आर माइनस आर, यही बतलाए थे ना, सड़क की चौड़ाई बराबर। कह रहा है कि अंदरी परिधि अब बाहरी परिधि में 66 सेमी का अंतर है, तो 2πr - 2πr बराबर 66, तो 2 आप पाई कॉमन ले लिए तो r माइनस आर बच गया बराबर 66, तो 2 × π के मान 22/7 इंटू आर माइनस आर बराबर 66, 22 × 66 कट गया। अब देखिए 22 × 66 कट गया तो r माइनस आर बराबर इस बटा में 7 उधर गुना में तो 7 = 21, दू उधर गुना में तो इधर आके बटा में तो बटा 2, तो 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर हो जाएगा चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई कितनी आर, सड़क की चौड़ाई आर माइनस आर, आर माइनस आर के माना गया 10.5, ठीक है। देखिएगा वीडियो को बार बार, आप लोग को आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा इसको इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, फार्मूला सब उतना याद रहेगा, मेंसुरेशन तो बस फार्मूला ही है, हम समझाते चलेंगे जहाँ तक समझाने वाली बात होगी हम समझाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको है कि चक्राकार बनाने वाले दो समकेंद्रीय, समकेंद्र मतलब
समकेंद्रीय मतलब होता है एक ही केंद्र वाला, एक ही केंद्र वाला चक्राकार बना रहा है। एक ही केंद्र वाला दो वृत्त है तो ये आर होगा, ये बड़ा वाला आर होगा, है ना। दोनों की त्रिज्या अलग अलग मान लिए। अब कह रहा है एक का क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेमी और दूसरा का 616, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर है 154 और पाई आर स्क्वायर बराबर है 616। दोनों वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, ये बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर जिसका मान है 616, छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर जिसका मान है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चक्राकार की चौड़ाई पूछ रहा है, ये जो चक्राकार है इसकी चौड़ाई पूछ रहा है, मतलब सड़क की चौड़ाई, मतलब आर माइनस आर का मान पूछ रहा है। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154 आ गया ना, तो 22×7=154, तो आर स्क्वायर बराबर 7×7। देखिए आर स्क्वायर बराबर इस 7×49, ये बटा में तो उधर जाके गुना में तो 7×49 हो जाएगा ना, तो आर बराबर आ जाएगा 7। और इसमें पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616, काट दीजिए इसको, इससे 11×2=22, 11 से ही कट गया, 11×5=55, 11×6=66, 2×28=28×56। तो आर स्क्वायर बराबर ये 28 को 7×4 लिख सकते हैं, 7×4=28, कोई बटा में 7 तो उधर गुना में, तो ये 7, तभी आ गया आर बराबर आ जाएगा ये 2×7 में से 1×7 आएगा और 4 का वर्गमूल 2, यानी 7×2=14। तो चक्राकार की चौड़ाई कितनी आ गई, तो इसीलिए आर माइनस आर बराबर एक आर का मान है 14, आई छोटकी आर का मान है 7, तो 14 में से 7 गया 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिए हुए था क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत मिटाई से, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए मिटाते हैं। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, हिरनी की जैसी आंखें है तेरी, बुलबुल की जैसी तेरी चाल है। देखिए एक बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एक रस्सा जिससे एक बछड़ा बंधा है 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दिया गया, बताइए कि कितने अतिरिक्त क्षेत्र में चराई करेगा। एक बछड़ा है बंधा हुआ, बछड़ा मतलब गाय का बच्चा, रस्सी से बंधा हुआ है, तो यहाँ तक चर पाएगा, ये रस्सी से बछड़ा बंधा हुआ है, तो ऐसे ऐसे करके सब भागू चर लिया। अब जब मालिक देखा कि भागी चर लिया, तो उसके लंबाई को बढ़ाकर, पहले ही था कितना, एक रस्सा जिससे एक बछड़ा बंधा है 12 मीटर, ये 12 मीटर था, अब इसे बढ़ाकर 23 मीटर कर दिया, तब तो ये इतना भाग चरेगा, ऐसे ऐसे अब चर सकता है, कि उसकी लंबाई को बढ़ा दिया तब तो इतना चर सकता है। तो पूछ रहा है कि अब कितने अतिरिक्त क्षेत्रफल को चर पाएगा, तो यही तो अतिरिक्त क्षेत्रफल है जिसे वह चरेगा, मतलब रास्ते का क्षेत्रफल वाला ही फॉर्मूला लगेगा। अब इसका मान कर दिया 23, तो पूछ रहा है कि ये जो भाग है उसका क्षेत्रफल बताइए, तो अतिरिक्त क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, अतिरिक्त क्षेत्र बराबर तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटकी आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7, आई आर पाई कॉमन ले लिए तो 22/7 पाई के मान रख दिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, यही आएगा ना, तो यह आ जाएगा 22/7 गुने आर प्लस आर यानी 23/12, तो 23+12=35, आर माइनस आर यानी 23-12 तो 11, 7×5=35 कट गया, तो 22×5=110 अगुने 11, 11 में 11 से गुना करेंगे 121 अगुने 0 अभी
12 मीटर था, 12 मीटर है, आई 23 मीटर है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर, इतना अतिरिक्त क्षेत्र को वह चर पाएगा। ठीक है, इसे मिटा दें। मिटा देना, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। समझते हैं पहले बात को कि यह कोई पहिया है, चक्का हुआ। देखिए अब यहाँ से इसको बचपन में कभी टायर गुड़काए होंगे कि एक लकड़ी लेके टायर को ऐसे मारते चले जाते थे तो वह लुढ़कते चला जाता था। तो इस चक्का को हम लुढ़काएंगे तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, तो अपनी परिधि इतनी। किसी भी पहिए द्वारा, लिख लीजिएगा, किसी भी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी बराबर होता है 2πr, उसकी परिधि। किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी 2πr। अगर कहेगा कि इस पहिए की त्रिज्या, इस पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर है, तो यह 5000 चक्कर में कितनी दूरी जाएगा, तो एक चक्कर में इतना, तो आर के मान यहाँ रख देंगे 14, पाई के मान 22/7, और 2 तो 2 है, तो कहेगा 5000 चक्कर में, तो गुने 5000 कर देंगे, एक चक्कर में इतना, तो 2 चक्कर में कर 2 गुना, 3 चक्कर में कर 3 गुना, तो 5000 चक्कर में कर 5000 गुना, यही है ना बात। देखिए प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न है गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। कोई गाड़ी है जिसकी त्रिज्या है 0.25 मीटर, तो यह गाड़ी 7000 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, तो एक चक्कर में इतना, तो 7000 चक्कर में गुने 7000, तो 7000 चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी, उसकी परिधि अगुने 7000, तो 2 × 22/7, आर का मान कितना दिल है 0.25 अगुने 7000, दशमलव काट के बटा में 100, 2 × 2 कट गया, 7 से ही कट गया 10 भर में, तो गुना कर देंगे तो आ जाएगा, तो 25 × 50, 50 × 0 तो 500, 500 × 22 तो 22×5 = 110, पर 2 और इतना इस मीटर में है, तो इतना मीटर, तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 11000 मीटर में 11 किलोमीटर, तो या तो ऐसे ऑप्शन हो सकता है 11 किलोमीटर, या 11000 मीटर हो सकता है। 1000 मीटर = 1 किलोमीटर, 1000 मीटर = 1 किलोमीटर, तो 11000 मीटर = 11 किलोमीटर, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है एक पहिए का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब व्यास का आधा, मतलब त्रिज्या, तो एक पहिए का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितनी चक्कर लगाएगी। एक पहिए का अर्ध व्यास है, मतलब आर का मान 7 सेंटीमीटर, तो यह है 7 सेंटीमीटर, तो अब पूछ रहा है कि 44 किलोमीटर दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगी, तो एक चक्कर में तय दूरी 2πr, तो माना कि x चक्कर लगाएगा तो 44 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। एक चक्कर में किसी पहिए द्वारा तय दूरी 2πr, तो माना x चक्कर लगाएगा तो 44 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। एक चक्कर में इतना दूरी, 2 चक्कर में कर 2 गुना, 3 चक्कर में कर 3 गुना, तो x चक्कर में एकर x गुना, अगर x चक्कर लगाएगा तो 44 किलोमीटर। अब देखिए 2 × π का मान 22/7, आर का मान है 7 सेंटीमीटर, अब बराबर ये 44 किलोमीटर है, तो मीटर में बदलेंगे
तो 1000 से गुना, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 44 किलोमीटर बराबर 44,000 मीटर। अभी मीटर में है, सेंटीमीटर में, यही बात ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर में। तब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, मीटर को 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो इतना से इतना मीटर बराबर इतना गुने 100, 7 से 7 कट गया, 22 दुना 44 से 44 कट गया एक बार में, तो गुने एक्स छूट गया, गुने एक्स, तो इसीलिए एक्स बराबर कितना आ गया, 1/500 यानी 1,00,000 चक्कर में 44 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा यह पहिया। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को, दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है कि रेलगाड़ी के इंजन के पहिए की परिधि 4/2/7 मीटर परिधि देले है, यानी 2πr का मान देले है 4/2/7। ठीक है, तो 7 × 28 = 30/7 मीटर में है, 30/7 मीटर में है, इतना मीटर यानी इतना मीटर, तो एक चक्कर में तय दूरी रेलगाड़ी के पहिए के जो एक चक्कर में तय दूरी दे ले है। अब कह रहा है यह पहिया 4 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है, यह पहिया जो है 4 सेकेंड में, जो पहिया है 4 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है, तो 4 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में इतना दूरी, तो हम पहले यह निकाल लेते हैं, हम पहले यह निकाल लेते हैं कि 7 चक्कर में तय दूरी क्या होगी, 7 चक्कर में तय दूरी, तो 1 चक्कर में 30/7 मीटर, एक चक्कर किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी 2πr, जिसका मान देले है 30/7, और तो एक चक्कर में तय दूरी देले है जब, तो 7 चक्कर में कितना दूरी जाएगा, तो इतना यानी 30 मीटर। अभी 7 चक्कर कितना देर में लगाता था, तो दूरी हो गया 30 मीटर, और समय देले है इस 7 चक्कर लगाने में 4 सेकेंड लेता था, तो दूरी देले है 4 सेकेंड। तो पूछ रहा है कि चाल क्या होगी, चाल ही पूछ रहा है ना, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो 7 चक्कर में यह दूरी तय किया 30 मीटर, और 7 चक्कर लगाने में 4 सेकेंड लेता था, यानी 4 सेकेंड में 30 मीटर, इस 7 चक्कर लगाने में 4 सेकेंड समय लेता था, वह पहिया 4 सेकेंड समय लेती थी, और 7 चक्कर में 30 मीटर यानी 4 सेकेंड में 30 मीटर, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी है 30 और समय है 4। अभी मीटर पर सेकेंड में आएगा, ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में है ऑप्शन, तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो 18/5 से गुना करेंगे, तो 5 से ही कट गया, 5×6 = 30, और 2 × 2 = 4, और 2 से ही 9, और 2 से ही 3, तो 9 × 3 = 27 किलोमीटर प्रति घंटा इस पहिए की चाल आ गई। फिर से समझिए, यह रेलगाड़ी के इंजन की पहिया है, ठीक है, और यह पहिया 7 चक्कर लगाने में 4 सेकेंड समय लेती है, इसकी परिधि दिए हुई है, माने परिधि मतलब एक चक्कर में तय दूरी, कोई भी चक्का एक चक्कर में जो तय दूरी करता है उसकी परिधि होती है, परिधि के मान दे ले 30/7 यानी एक चक्कर में तय दूरी 30/7 मीटर, और एक चक्कर में 30/7 तो 7 चक्कर में 30/7 × 7 30 मीटर। अभी 7 चक्कर लगाने में 4 सेकेंड समय लेता था यानी 4 सेकेंड में 30 मीटर, तो दूरी हो गया 30 मीटर, समय आ गया 4 सेकेंड, तक चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी है 30 मीटर और समय है 4 सेकेंड। अब देखिए, अभी मीटर मीटर में है, सेकेंड में है, तो मीटर पर सेकेंड में आ जाता, लेकिन अब पूछ रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, तो 18/5 से गुना कर दिए, तो 5 से 6 बेर में कट गया, आई 2 × 2 = 4 कटा, 2 × 9 = 18, 2 से ही 6 कट गया 3 बेर में, तो 9 × 3 = 27 किलोमीटर प्रति घंटा उस इंजन की चाल आ गई। कोई दिक्कत किन्हीं को, उम्मीद करते हैं दिक्कत तो नहीं होगी अभी तक, ठीक है। अब देखिए एक और प्यारा प्रश्न देखिए,
साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास क्या है? साइकिल का कोई पहिया है, मान लेते हैं इसी को कि साइकिल का ही कोई पहिया है, तो इसके द्वारा साइकिल का कोई पहिया है जिसकी त्रिज्या r मान लेते हैं, तो इसके द्वारा एक चक्कर में तय दूरी 2πr। कोई पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी जाएगा? अपनी परिधि इतनी, और उसकी परिधि 2πr होगी जिसकी त्रिज्या r है। अब कह रहा है कि 5000 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में इतना, तब 5000 चक्कर में इतना दूरी, 5000 चक्कर में इतना दूरी, वो कह रहा है कि 11 किलोमीटर जाता है, 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर जाता है, तो इसको मीटर में बदल दिए तो 11000 मीटर, ठीक है। अभी 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, तो 2 × 22/7 × r, 22/7 × r और गुने 5 बराबर 11 आ गया। अभी देखिए r का मान निकालना है, तो r का मान निकालना है, 11 × 22 कट गया, तो 5 × 10 × 20, 20 r = 7 आ गया, तो r = 7/20। अब देखिए ये जो है ये मीटर में 11 किलोमीटर था, उसको एक 11000 कर दिए तो ये तो मीटर में आ गया, तो इतना मीटर आ गया, तो ये तो मीटर में है। अब मीट ऑप्शन में है सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए फिर 100 से, तब 20 × 25 100, तो 7 × 25 35 सेंटीमीटर आ गया, तो आर के मान आ गया 35 सेंटीमीटर। पूछ रहा है पहिया के व्यास, तो व्यास बराबर 2r, तो 2 × 2 × 35, तो 35 × 70 सेंटीमीटर, ठीक है। समझिए साइकिल का कोई पहिया है जिसकी त्रिज्या r मान लिए, ठीक है। अब इसके द्वारा एक चक्कर में तय दूरी 2πr, तो 5000 चक्कर में, तो 2πr × 5000 इतना दूरी जाएगा, वो कह रहा है कि 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर जाता है, तो एक 11 में 1000 से गुना करके मीटर में बदल दिए तो 11000 मीटर आ गया। इस तरह से r का मान निकाले तो 7/20 आया, तो 7/20 मीटर आया। मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 20 × 25 100 कट गया, तो 7/35 सेंटीमीटर आ गया r का मान। पूछ रहा है व्यास, तो व्यास बराबर 2r, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 2r, तो 2 × 35, तो 35 × 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समझिए बिटा दूँ, वृत्त में कुछ क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनेगा जो आयत से रिलेटेड है, वर्ग से रिलेटेड है। जब पढ़ा देंगे आयत वर्ग तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो बता रहे हैं उतना क्वेश्चन को ही आप लिख के बनाइए, उसी पर पकड़ बनाइए। जब वृत्त पढ़ाने के बाद आयत वर्ग त्रिभुज पढ़ाएंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए कि अगर आपको इस तरह कह दे कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दे या कमी कर दे, वृद्धि या कमी कहेगा, तो व्यास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन कर सकता है, ठीक। तो देखिए ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या है, तो इसको r सेंटीमीटर मानते हैं। अगर ये व्यास होता, व्यास बराबर 2r, तो 2r सेंटीमीटर ही होगा, और परिधि, तो परिधि बराबर 2πr, ये भी सेंटीमीटर में होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल होगा तो पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर ना हो जाएगा क्या। तो अब समझिए कि जिसका मात्रक सेम है, मात्रक ही सेंटीमीटर, ई सेंटीमीटर है ना, ई सेंटीमीटर, तो ये तीनों का मात्रक तो सेम है, तीनों का मात्रक सेम है ना, तो जिसका मात्रक सेम होगा उसमें सेम प्रभाव पड़ता है। तो अगर कह दे कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दिया, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 20% वृद्धि, तब व्यास में त्रिज्या का जो मात्रक होता है वही व्यास का मात्रक,
तो 20% ही वृद्धि होगा। अगर परिधि पूछे तो जो त्रिज्या का मात्रक वही परिधि का मात्रक, यानी इसमें भी 20% की वृद्धि होगा। अगर कमी कहता तो कमी होता। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल तो 20% की वृद्धि कर दिया, तो क्षेत्रफल में जब भी कहेगा तो हम फार्मूला लगाएंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। कौन फार्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी के लिए? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। और x का मान देखिए, इसमें वृत्त में तो सब त्रिज्या समान होती है, सब त्रिज्या समान होती है ना, तो x का मान भी वही लेंगे और y का मान भी वही लेंगे, यानी 20 प्लस 20 और प्लस 20 गुने 20 बटा 100। ये वृद्धि के लिए है, ये वृद्धि वाला प्रश्न के लिए ले रहे हैं। वृद्धि कहेगा तो प्लस में लिखेंगे, तब 20 प्लस 20 40, और दूसुना से दूसुना कटेगा तब 40 प्लस 4 यानी 44% की वृद्धि, 44% की वृद्धि हो जाएगा। अगर यही कमी कहता, अगर कमी कहता तब क्या होता? ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब प्रतिशत में वृद्धि या कमी कहे तब। अब वृद्धि कहेगा तो देखिए, वृद्धि कहा था, हम पहला प्रश्न लिए थे वृद्धि वाला, तो वृद्धि अगर कहा था तो 20 प्लस में रखे भी 20 प्लस में, 20 गुने 20 प्लस में बटा में 100। अगर यही कमी कहता तब क्या करते? तो अगर कमी कहता कि 20% की कमी कर दी जाए, तो माइनस 20 प्लस, ये प्लस है तो प्लस, माइनस 20 प्लस माइनस 20 गुने माइनस 20 प्लस माइनस 20 और प्लस माइनस 20 गुने माइनस 20 बटा 100 लिखते, दूसुना से दूसुना कर जाता तो ये तो माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 40 और माइनस माइनस प्लस, दो दुना 4, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 में से 4 गया तो माइनस 36, माइनस 36 यानी 36% की कमी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारी बात समझ में आई होगी। एक और प्रश्न लेते हैं इस पे। प्रश्न है, देखिए, अगर कह दे एक वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि कर दे तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक वृत्त है जिसके व्यास में 40% की वृद्धि कर दिया है, 40% की वृद्धि कर दिया है, तब पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम बतलाए हैं कि व्यास में 40% की वृद्धि मतलब त्रिज्या में 40% की वृद्धि। इससे पहली वाली जो, इससे पहले जो बतलाएं उसमें देखिएगा कि जिसका मात्रक सेम होता है उसमें सेम प्रभाव पड़ता है। तब व्यास में 40% की वृद्धि किया, अब व्यास अगर मीटर में है तो त्रिज्या भी मीटर में होता है, व्यास सेंटीमीटर में तो त्रिज्या भी सेंटीमीटर में, तो दोनों का मात्रक तो सेम है, तो इसमें 40% की वृद्धि मतलब त्रिज्या में 40% की वृद्धि। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या बतलाए थे? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब वृद्धि कह रहा है तो प्लस में लेंगे, तो 40 प्लस 40 प्लस 40 गुने 40 बटा में 100, दूसुना से दूसुना कट गया, 40 40 80 और प्लस ही 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा ना, तो 80 और 16 96, तो 96% की वृद्धि हो जाएगा, 96% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? एक और प्रश्न लेते हैं इस पे, मिटा दूं? एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो इसके परिधि में कितने प्रतिशत की कमी होगी? कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या में 50% की कमी कर दिया, तो पूछ रहा है कि परिधि में कितने प्रतिशत की कमी होगी? परिधि में, तो परिधि अगर त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में मापते हैं तो परिधि भी सेंटीमीटर में होता है, त्रिज्या मीटर में मापते हैं तो परिधि भी मीटर में होता है, तो दोनों का तो मात्रक सेम है, जब दोनों का मात्रक सेम है तो सेम प्रभाव पड़ेगा, यानी परिधि भी 50% की कमी हो जाएगी, परिधि में 50% की कमी हो जाएगी। अब मान लीजिए क्षेत्रफल में पूछता
कि क्षेत्रफल में, तो फार्मूला लगाते x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। तो कमी कह रहा है तो माइनस में लेंगे, तो माइनस 50, ये माइनस 50 यहाँ प्लस लिख के माइनस 50 लिखेंगे, प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, अब प्लस माइनस 50 गुने माइनस 50 बटा 100, दूसुना से दूसुना कट गया, तो माइनस 50 माइनस 50 माइनस 100, माइनस गुने माइनस प्लस, अब 5 पचे 25, तो 100 में से 25 गया तो माइनस 75, अब माइनस में आने का मतलब 75% की कमी हो जाता, ठीक है। कब, जब क्षेत्रफल में पूछता तब। ओके, थैंक यू।